अपनी जान खतरे में डालकर जिंदगियां बचाने वालों तुम्हें सलाम। फिरदौस आशिक अवान का डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन। मौवन खसूसी कहती हैं, चैलेंजेस से आवाम और हुकूमतें मिलकर नबर्द आजमा होती हैं। फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कौम की सेहत का तहफ्फुज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अवलीन तरजीह है। इस ज़मन में किसी किस्म की कोताही या लापरवाही ना हुई है और ना ही बर्दाश्त की जाएगी। वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वफ़ाकी और सूबाई हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे इश्तराक के अमल से इकदाम कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पाकिस्तानियों से अपील है कि कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। इस चैलेंज से नबर्दाजमा होने के लिए अवाम को मिसाली नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा करना है। अज़्मो हिम्मत, इस्तकामत और यकसोई से इस आफ़रियत का मुकाबला करना है। अवाम हजूम वाली जगहों पर ना जाएं, रेस्टोरेंट्स में बैठने के बजाय घरों में रहने को तरजीह दें। चैलेंजेस से अवाम और हुकूमतें मिलकर नबर्दाजमा होती हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $238 मिलियन जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक $350 मिलियन की इमदाद फराहम करेगा। कौम के मसीहा डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तुम्हें सलाम। अपनी जान खतरे में डालकर जिंदगियां बचाने वालों तुम्हें सलाम।